कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते और आपकी आदतें आपका फ्यूचर जरूर बदल देगी पेमेंट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि फादर अफोर्ड नहीं कर सकते कंडीशन पुअर था नदी में अगर तैरना सीखना होता है तो पानी में जाना ही पड़ता है कि सोर्सेज तो बहुत सारे हैं बस आपको खोजना होता है फाइव से सिक्स फोर्टी थ्री तक मेरा स्कोर रहा और इम्प्रूवमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि तो नमस्कार मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं दरभंगा ज़िला से बिलोंग करता हूँ आजकल क्या होता है आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन के कारण क्या होता है स्टूडेंट डेविएट कर जाते हैं तो ऐसा ही फेस था मेरे लाइफ से भी हुआ है कि डेविएशन हर जगह हुए मगर क्या हुआ कि सबको सस्टेन करा मैंने टेंथ दिया टेंथ में सी बी एग्ज़ाम दिया तो अच्छे मार्क्स आ गए नाइन्टी टू परसेंट के अप्रोक्सीमेट आ गए थे फिर वहाँ से ये भी हो गया कि अब आगे क्या करूँ कि दो लूँ मैथ लूँ या बायो लूँ तो Uh, दोनों सब्जेक्ट एक्चुअली मेरे लिए इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में लेकिन बायो में भी इंटरेस्ट आ गया था तो मेन जो है मैंने बायो रख लिया और साइड से मैंने मैथमेटिक्स रख लिया फिर क्या हुआ कि एलेवेंथ uh, में गया तो फिर पता नहीं था क्या करूँ बस सब्जेक्ट के बारे में पता था साइंस होता है तो फिर साइंस में सब्जेक्ट रखना होता है तो रख लिया मैं फिर इलेवेंथ में गया एलेवंथ में पता ही नहीं था कि कौन से कोचिंग लूँ क्या करूँ uh, कैसे प्रिपरेशन करूँ तो एक साल उसी में बर्बाद हो गया कि सब्जेक्ट ठीक है पढ़ता था बुक्स लेकिन पता ही नहीं चलता था कि जैसे कि टाइम बीता तो पता चला कि आगे हाँ मेडिकल का एग्ज़ाम होता है और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए मेडिकल का एग्ज़ाम के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है और इंजीनियरिंग का जे का होता है तो फिर उसके लिए एक लोकल ट्यूशन में पढ़ता था तो उतना इफेक्टिव हो नहीं रहा था पढ़ाई तो क्या हुआ कि हाँ टेंथ में मार्क्स बढ़िया थे मेरे तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा लिया कि बहुत कम एफोर्ड प्राइस में नया कोचिंग खुला हुआ था तो प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल होता है तो उसमें एडमिशन करवा लिया तो फिर एडमिशन <coughs> करवाने के बाद क्या हुआ कि पढ़ाई स्टार्ट किया मैं तो फिर वहाँ पे आते थे हम लोग को मतलब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे पढ़ाने हम लोग को तो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया कि बढ़िया है ये अपने वेल well सेटल्ड है और काफ़ी अच्छा है इनका लाइफ अच्छा जा रहा है तो सोचा कि मेडिकल कि के पीछे उसका उसके बाद मेरे मतलब इंटरेस्ट आने लगा मेडिकल में ठीक है तो फिर मैथ्स में काफ़ी कम इंटरेस्ट हो गया लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे पढ़ता गया पढ़ता गया तो फिर इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया मेरा मतलब आ, अब इंटरेस्ट मेरा आने लगा क्या है कि फ़िज़िक्स में फ़िज़िक्स में क्या होता था कि मैं बहुत मतलब आ, दिन में मतलब पढ़ता था मैं दस घंटे दस घंटे पंद्रह घंटे तो पढ़ ही लेता था तो उसमें मतलब सात आठ घंटे तो मैं फ़िजिक्स में ही निकाल देता था तो फिजिक्स मतलब इतना इंटरेस्ट आ गया कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स सॉल्व किया इंजीनियरिंग का सबसे ऊपर टॉप का बुक होता है वो सॉल्व किया अच्छी सॉल्व किया फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा इसी कारण मेरी बायो खराब हो गई पूरी <coughs> केमिस्ट्री खराब हो गई तो फिर क्या हुआ मॉक देता था मॉक में बहुत कम मार्क्स आते थे तो डिमोटिवेटेड काफ़ी फील होता था तो वही सोच रहा था मैं करूँ क्या कि कैसे अपना मार्क्स को इम्प्रूव करूँ क्या करूँ तो इसी के चक्कर मेरा पूरा इलेवंथ बर्बाद हो गया लाइक मॉक्स में बहुत कम आते थे और फिर जैसे जैसे इंप्रूवमेंट हुआ टाइम भी था वैसे वैसे क्या हुआ कि ट्वेल्थ आ गया फिर ट्वेल्थ में जाते क्या हुआ कि मिड ट्वेल्थ तक आते आते क्या हुआ कि कोविड का कंडीशन आ गया तो 2020 की बात है तो फिर कोविड का कंडीशन आया फिर फादर को कोविड हो गया और फादर का कोविड इतना सीवियर हो गया कि लाइक पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद करनी पड़ गई कि मतलब पढ़ाई क्या करे कि फ़ादर को ट्रीट मतलब उसका केयर करे या फिर पढ़ाई करे ये भी कंडीशन आ गया था फिर कोचिंग छोड़ना पड़ गया और फिर घर पे चले गए हम लोग तो मेरे आ, मेरे साथ मेरी बहन भी प्रिपरेशन कर रही थी वो फैमिली की कंडीशन तो खराब था ही तो वो भी कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या करे आगे तो उसको साइंस साइंस में इंटरेस्ट था लेकिन फैमिली का कंडीशन तो उतना बढ़िया नहीं था कि उसको भी कोचिंग अफोर्ड कर सके तो वो जैसे तैसे करके साइंस ली और वो भी पढ़ रही थी मेरे साथ तो कोविड जैसे ही हुआ फादर का तो कंडीशन इतना पुअर हो गया लाइक उनको हॉस्पिटल आई में शिफ्ट करना पड़ा तो आई सी में शिफ्ट करना पड़ा तो पेमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेता है वो हर लैख तक चार्ज किया था और टेन थाउजेंड पर डे का चार्ज किया था फिर वहाँ से उस उस टाइम के बाद से मेरे लिए टर्निंग पॉइंट आ गया कि हाँ अब मैं समझ गया कि हाँ कि अगर मैं कल को डॉक्टर बनता हूँ कल को मेडिकल फील्ड में रहूँगा मेरे कनेक्शनस रहेंगे तो फिर मेरे फैमिली को कुछ भी कंडीशन हो कितना भी ख़राब कंडीशन आए या फिर मेरे रिलेटिव्स को कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उनको ट्रीट कर सकता हूँ उनको क्योर कर सकता हूँ तो फिर वहाँ से उस पॉइंट से टर्निंग पॉइंट यह आया कि हाँ अब मेरे को मेडिकल ही करना है कन्फ्यूजन सारा ख़त्म हो गया अब मैंने मैंने मेडिकल पे ही पूरा फोकस कर दिया फिर वहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है जिससे पूजा करने के लिए एक रूम आ, मिलता है वहाँ पे तो उनको मम्मी पापा को बोला कि मैं इसको खाली कर दिया बहुत छोटा रूम था बहुत छोटा बस एक टेबल और एक चेयर आ सकता था उसके अंदर तो वो खाली करवा दिया फिर वहाँ पर एक टेबल और चेयर लगा के अपना रूम के अंदर पैक हो गया फिर क्या हुआ कि पाँच दस दिन तो सफरिंग में लग गए कि क्या करूँ कैसे करूँ तो फिर मैं यूट्यूब पर गया फिर यूट्यूब पर सोर्सेज खोजने लगा कि कोचिंग तो खत्म हो गया था पूरी तरह से तो फिर यूट्यूब पर सोर्सेज खोजने लगा तो फिर पता चला कि हाँ कि कुछ 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 सोर्सेज अवेलेबल है आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज हो गए आज के दौर में कोई भी चाहे कोई भी आ, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकता है क्योंकि सोर्सेज बहुत अवेलेबल लेकिन उस टाइम में सोर्सेज बहुत कम थे तो फिर जितने भी सोर्स मिले उसके उसके थ्रू मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ऐसे पढ़ना है इस डायरेक्शन में जाना है तो फिर जैसे मैंने बहुत सारी बहुत सारे मतलब एलेवेंथ में तो आदमी अनटरक्टेड होता ही है तो बहुत सारी बुक्स ले लेता है तो फिर मैंने जो भी सारी बुक्स ली थी फालतू की किताबें ली थी मोटी मोटी सबको मैंने साइड कर दिया और मैं एन सी आर टी पर आ गया नदी में अगर तैरना सीखना होता है तो पानी में जाना ही पड़ता है ठीक है तो वही कंडीशन आ गई कि नीट में सिलेक्शन लेना है तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा तो फिर बुक को मैंने ये लाइन टू लाइन रीडिंग स्टार्ट किया फिर मॉक देते गया फिर मॉक का भी प्रॉब्लम हो गया था कि मॉक क्या दो टेस्ट पेपर थे नहीं तो कहते हैं ना कि सोर्सेज तो बहुत सारे हैं बस आपको खोजना होता है तो वही मैं गया ऑनलाइन गया फिर मैं टेलीग्राम डाउनलोड किया टेलीग्राम पे बहुत सारे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल गए थे तो मेरे मिलने बहुत अच्छी बात रही क्योंकि पेमेंट तो कर नहीं सकते थे क्योंकि फादर अफोर्ड नहीं कर सकते कंडीशन पुअर था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था ही तो सोर्सेज जहाँ से मिले हम ग्रेस्ट किए बस सोर्स हमको चाहिए था तो फर्स्ट अटैम्प्ट देते ही मतलब नीट में सिलेक्शन तो नहीं हुआ कुछ नंबरों से रह गया लेकिन मोटिवेशन तो यही था कि हाँ मेडिकल ही करना है जैसे भी हो तो इसलिए इंजीनियरिंग को मैंने छोड़ दिया वहीं पर बावजूद इसके कि अच्छे कॉलेज मिल गए थे अच्छा फ्यूचर था उस पर लेकिन फिर भी छोड़ दिया फिर मैं एक साल क्या हुआ कि घर पर गया ड्रॉप लिया ड्रॉप के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि मैं कहीं भी कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं किया बस घर में गया सेल्फ़ स्टडी एक रूम था ही और वहाँ पे जाकर सेल्फ स्टडी किया बहन भी कर ही रही थी उसका भी नहीं हो रहा था उसको भी मोटिवेट किया कि तुम भी करो तो हम लोग मेडिकल कर लेंगे तो फैमिली की कंडीशन से ही हो जाएगा फिर घर में जा के मैं और वो प्रिपरेशन करते लगे फिर क्या हुआ कि एक साल की जर्नी में इतना बात रियलाइज़ हुआ कि हाँ अपनी गलतियों से सबसे पहला रियलाइजेशन तो ये हुआ कि अपनी गलतियों को से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गलतियों से आप सीखोगे तभी आप आ, कम गलतियाँ करो और कम गलतियाँ क्या हो गया सलेक्शन होता है वो वै, वैसे वैसे एक कोर्ट उस टाइम बहुत अच्छा लगा था ए पी सर का कोर्ट था कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो और आपकी आदतें आपका फ्यूचर जरूर बदल देगी तो उसी के कारण मैं अपनी अपनी आदतों को सुधारने लगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशन हो जाता था क्वेश्चन मॉक सॉल्व करने में लाइक टाइम लिमिट है ये वो है तो पहले तो अपनी आदतों गलतियों को सुधारना क्या टाइम मुझे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तीन घंटे में देना है मॉक तीन घंटे में पेपर देना है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं सबसे पहला प्रायोरिटी था कि क्वेश्चंस ज़्यादा सही करना है क्वेश्चंस गलत कम करने हैं तो वैसे वैसे मॉक देता गया और क्या हुआ कि मैं डायग्राम फॉर्म में अपने रूम में जो है वॉल पे चिपका लिया कि हाँ कि इतने दिए इतने क्वेश्चन अटैम्प्टे मैंने इतनी गलतियाँ हुई इसमें किस तरह की गलतियाँ उसको कैसे सुधारा जाए और फिर जैसे भी मान लीजिए आपको कोई भी तरह कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में दिक्कत होती तो जो यूट्यूब पर डायरेक्ट जाते थे ऑनलाइन सोर्स था ही बहुत कम ही था लेकिन उसी में जो भी मिल रहा था जहाँ का मिल रहा था वहाँ से बस लेना था कॉन्सेप्ट लेना था और बस उसको अप्लाई करना था तो ऐसे करते 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 अगर अपने आप में इम्प्रूवमेंट किए मॉक देते गए और अच्छा, अच्छा मार्क्स आते गए मॉक में और फाइनली नीट का सिलेक्शन नीट का एग्जाम दिया सेकेंड अटैम्प तो फाइव नाइन्टी टू से सिक्स फोर्टी थ्री तक आ, मेरा स्कोर रहा और इम्प्रूवमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी गलतियों को सुधारी और छोटी छोटी गलतियों से सीखा और उसको ओवरकम कैसे करना है बस उसको उस पर वर्क किया तो इसी कारण मेरा सिलेक्शन हुआ और आज पी एम सी एच का पी एम सी एच में मैं सेकेंड ईयर एम बी बी एस का स्टूडेंट हूँ ये मत सोचो कि तुम्हारे पास सोर्स नहीं है ठीक है फैमिली कंडीशन ख़राब है या फिर पुअर हो तो ऐसा मतलब ये ये तो ऑब्स्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आज के टाइम में क्या हुआ कि सोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल है बस तुमको ग्रैस्प करना है कहीं से भी करो और बस एक डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ कि इस जर्नी में आया है तो इसको निकालना ही निकालना है तो बस लगे रहो और डीमोटिवेट मत हो और हाँ एक मैसेज अभी देना चाहूँगा लाइक अभी का टाइम ऐसा आ गया है कि आप सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो लाइक आप जैसे इंस्टाग्राम हो गया तो इंस्टाग्राम से आप ज़्यादा कनेक्ट हो जा रहे हो अपने टाइम पूरा इन्वेस्ट कर रहे हो फिर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो लाइक हम मैं बताना चाहता तो, हूँ लाइक मुझे भी टेंथ क्लास में था तो एक गर्ल भी क्रश था लेकिन वो मैंने कभी प्राइमरी नहीं होने दिया उसको बस मैं सेकेंडरी रखा एलेवेंथ क्लास में भी रहा लेकिन वो भी सेकेंडरी रखा बस प्राइमरी रखा तो अपने स्टडीज़ को और अपने गोल को और अपने सपने को बस तो बस आपको अपने आप को पहचानना है पूरे डेडिकेशन से नीट का एग्जाम देना है और और अपनी गलतियों को हाँ बहुत सा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ दो और अपनी गलतियों को से सीखो अपनी गलतियों को कम करो कोई रिलेशनशिप में और मत आओ सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट मत हो थैंक यू और एंडस्तों जो को जोस्तों की टीम को मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे और एक मौका दिया उन्होंने कि सारे नीट एस्पिरेंट तक मैं अपनी बातों को पहुंचा सकूं।